शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम जो है प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया, आज के इस लेक्चर में जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजलिंग को यूज़ करते हुए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो स्टेटमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज अ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केजलिंग एल्गोरिथम फॉर प्रीएम्प्टिव स्केजलिंग ऑफ प्रोसेस। Consider the following set of process with their arrival times and CPU bus time in millisecond. तो basically shortest remaining time first scheduling algorithm is another name for shortest job first algorithm. हमें CPU जो set of process provide किए गए हैं P1, P2, P3 and P4 और इसमें इसके arrival time जो है वो हमें provide किया गया है जो कि प्रोवाइबल टाइम 0, 2, 3 और 8 है। इसी तरह बर्स टाइम भी जो है वो हमें मिली सेकेंड में प्रोवाइड किया गया है। अब जो प्रॉब्लम है ये जो प्रोसेस है दे विल बी एग्जीक्यूट इन प्रीएम्प्टिव मैनर। प्रीएम्प्टिव मीन कि एक रनिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और एक शॉर्टेस्ट बर्स टाइम का प्रोसेस जो है वो अराइव होता है, तो उस प्रोसेस को रनिंग प्रोसेस को जो है उसको उससे सीपीयू जो है वो शॉर्टेस्ट अराइवल प्रोसेस जो है जिसका बस टाइम शॉर्टेस्ट है रनिंग प्रोसेस से सीपीयू उसको असाइन कर दिया जाएगा। सो दैट इज़ प्रीएम्प्टिव। अब हम इसके लिए जो है गैंट चार्ट जो है उसको ड्रॉ करते हैं। तो ज़ीरो अराइवल टाइम है तो P1 इज़ ए फर्स्ट प्रोसेस जो कि अराइव हो रहा है और इसका बस टाइम जो है वो 12 मिली सेकेंड है। जैसे P1 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की तो 1 मिली सेकेंड एंड देन 2 मिली सेकेंड। जैसे ही 2 मिली सेकेंड पे P1 की प्रोसेस जो है वो जो है एग्जीक्यूशन जो है वो पहुंचा 22 मिली सेकेंड के ऊपर तो P2 प्रोसेस जो है वो अराइव हो गया। अब P2 का जो है बर्स टाइम दैट इज़ 4। जो P1 था इसने अपना 2 मिली सेकेंड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली थी, इसका मतलब है कि 12 की जगह जो है इसका रिमेनिंग जो बस टाइम है दैट इज़ 10 मिली सेकेंड जो है बस टाइम उसका बाकी रह गया जो कि उसको कंप्लीट करना है फॉर इसकी एग्जीक्यूशन ये प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। बट जो प्रोसेस अराइव हुआ है वो 2 मिली सेकेंड पर अराइव हुआ। जैसे ही 2 मिली सेकेंड पर अराइव हुआ तो उसका बस टाइम 4 था जो कि लेस देन 10th है। तो इट्स मीन कि ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल स्केजलिंग को हम यूज़ कर रहे हैं तो CPU जो है और प्रीएम्प्टिव स्केजलिंग है तो CPU जो है वो इस प्रोसेस से प्रीएम्प्ट करके जो है P2 को साइन कर दिया जाएगा। अब P2 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा 2 मिली सेकेंड से। जैसे ही उसने 1 मिली सेकेंड की एग्जीक्यूशन कम्प्लीट की तो A1 दैट इज़ 3 मिली सेकेंड, तो 3 मिली सेकेंड पर जो है P3 भी जो है वो अराइव हो गया। जैसे ही P3 अराइव होगा तो इसका मतलब है कि इसका जो रिमेनिंग है जिसका प्रोसेस का जो बर्स टाइम है दैट इज़ 6 जो कि P2 से जो है शॉर्ट ग्रेटर है। इट्स मीन के इसने 1 मिली सेकेंड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है तो इट्स मीन के 3 मिली सेकेंड की एग्जीक्यूशन बाकी है P2 की। बट जो अराइवल प्रोसेस है इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है ब्रस टाइम है दैट इज़ 6। सो दैट इज़ नॉट अ शॉर्टेस्ट फ्रॉम P2। सो P2 को अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी एग्जीक्यूशन को कम्प्लीट करे। जैसे ही प्रोसेस जो है वो आगे फर्दर एग्जीक्यूट होगा तो उसका 4 मिली सेकेंड जो है 2 मिली सेकेंड के बाद 4 मिली सेकेंड ऐड कर दिया जाए तो 6 मिली सेकेंड के ऊपर P2 जो है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। इट्स मीन के P2 कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास बाकी जो प्रोसेस बचे हैं क्यू में अभी तक उसमें P1 रेडी क्यू में अवेलेबल है और P3 जो है वो रेडी क्यू में अवेलेबल है। P1 का जो है रिमेनिंग टाइम क्योंकि 2 मिली सेकेंड उसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे 10 मिली सेकेंड है, जबकि P3 का जो है 6 मिली सेकेंड है। तो P3 को प्रोसेस जो है प्रोसेसर असाइन कर दिया जाएगा और P3 जो है अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। P3 जैसे ही 6 मिली सेकेंड से स्टार्ट करेगा 7 और 8 There is 8 मिली सेकेंड, जब उसकी एग्जीक्यूशन 8 मिली सेकेंड तक कंप्लीट होगी P3 की तो इट्स मीन के P8 के ऊपर P4 प्रोसेस भी अराइव हो गया। P4 प्रोसेस जैसे ही अराइव होगा इसका बर्स्ट टाइम देखा जाएगा दैट इज़ 5, बट
जो रनिंग प्रोसेस है P3 उसका बस टाइम 6 था, लेकिन ऑलरेडी उसने 8 मिली सेकेंड तक उसकी एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट हो गई थी। इट्स मीन के इसके अब जो बस टाइम, जो रिमेनिंग बस टाइम है दैट इज़ 4, यानी कि 4 मिली सेकेंड का बाकी एग्जीक्यूशन इसकी रह गई है कंप्लीट होने के लिए, और जो अराइवल प्रोसेस है उसकी बर्स्ट टाइम जो है 5 है। सो P3 को अलाउ किया जाएगा कि वो अपना जो है एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखे, और जैसे ही 6 में 6 ऐड किया तो 12 मिली सेकेंड के ऊपर P3 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके जैसे ही CPU को रिलीज़ करेगा तो नेक्स्ट दो प्रोसेस जो हमारे पास अवेलेबल हैं क्यू के अंदर, दैट इज़ P1 जो कि 10 मिली सेकेंड है और P4 जिसका बर्स्ट टाइम 5 है। तो शॉर्टेस्ट जो है वो P4 है, तो P4 को जो है CPU असाइन कर दिया जाएगा जो कि बर्स्ट टाइम 5 है, 12 प्लस 5 इज 17 के ऊपर इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। अब जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो रेडी क्यू में जो है हमारे पास जस्ट ओनली एक प्रोसेस रह गया, दैट इज़ P1, और वो 10 मिली सेकेंड जो है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तो 27 मिली सेकेंड के ऊपर उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, वेटिंग टाइम इज़ इक्वल टू टोटल वेटिंग टाइम माइनस नंबर ऑफ मिली सेकेंड प्रोसेस एग्जीक्यूटेड माइनस अराइवल टाइम, और टर्न अराउंड टाइम जो है उसका फार्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। लेट्स सी हम इस जो है प्रॉब्लम में देखते हैं कि वेट टाइम किस तरह है। तो टोटल वेटिंग टाइम जो है अगर हम P1 का देखें तो P1 का टोटल वेटिंग टाइम जो लास्ट उसकी एग्जीक्यूशन थी वो दैट इज़ 17 मिली सेकेंड, यहाँ तक उसको वेट करना पड़ा। तो 17 और नंबर ऑफ मिली सेकेंड प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, तो P1 जो है इससे पहले शुरू में आपके पास दो, बिगनिंग में जो है 2 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, सो दैट इज़ 2, और अराइवल टाइम जो था इसका 0 था। इट्स मीन के 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15 मिली सेकेंड वेटिंग टाइम था। P2 को अगर देखा जाए तो P2 का जो टोटल वेटिंग टाइम था वो यहाँ से P2 को वेट करना पड़ा जो कि 2 मिली सेकेंड था, माइनस इससे पहले ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ और इसका अराइवल टाइम जो था वो 2 था। 2 माइनस 0 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि P2 को वेट करना ही नहीं पड़ा। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ही P1 एग्जीक्यूट हो रहा था जब उसने 2 मिली सेकेंड कम्प्लीट किए थे, तो P2 जैसे ही अराइव हुआ 2 मिली सेकेंड के ऊपर, तो प्रोसेस जो है CPU जो है वो प्रीएम्प्ट कर दिया गया P1 से और असाइन कर दिया गया था P2 को फौरन, इसलिए P2 को वेट नहीं करना पड़ रहा, दैट्स वाई इसका 0 मिली सेकेंड टाइम जो है वो कैलकुलेट हुआ। P3 जो है उसने कितनी देर वेट करना पड़ा, P3 की वेटिंग जो है वो 6 मिली सेकेंड तक था, यहाँ से उसको CPU असाइन किया गया जो कि 6 था क्योंकि P2 6 मिली सेकेंड पे कंप्लीट हुआ, तो P3 को असाइन कर दिया गया 6 0, यानी कि नंबर ऑफ मिली सेकेंड। तो इससे पहले तो P3 कहीं एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो 0 और इसका अराइवल टाइम 3, तो डैट्स मीन के 3 मिली सेकेंड जो है वेटिंग टाइम कैलकुलेट हुआ। P4 को अगर देखा जाए तो P4 जो है उसको 12 मिली सेकेंड तक वेट करना पड़ा, और उससे पहले उसकी एग्जीक्यूशन है ही नहीं यहाँ पे, तो इट्स मीन के 0 और अराइवल टाइम उसका 8 था, तो दैट इज़ 8, तो 12 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 4 मिली सेकेंड, तो 5 जो है 15 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4 जो है उसको हमने ऐड करके 4 प्रोसेस से डिवाइड किया, तो 5.5 मिली सेकेंड जो है दैट इज़ एवरेज जो है वो कैलकुलेट हुई। अब हमारे पास इसका टर्न अराउंड कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो P1 जो है वो 27 मिली सेकेंड पर कम्प्लीट हुआ था, इट्स मीन के 27 माइनस अराइवल टाइम था इसका 0, सो 27 मिली सेकेंड, और P2 जो है वो कंप्लीट हुआ था 6 पे और उसका अराइवल टाइम 2 था, 6 माइनस 2 इज़ 4 मिली सेकेंड, और सेम इज़ ए P3, P3 को जो है वो उस 12 मिली सेकेंड के ऊपर उसकी कंप्लीशन हुई है और उसका जो अराइवल टाइम था दैट इज़ 3, तो 9, और इसी तरह P4 जो है वो 17 मिली सेकेंड के ऊपर कंप्लीट हुआ और उसका अराइवल टाइम 8 था, तो 17 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 19। हमने इन तमाम जो है P1 जो है ये जो हमने कैलकुलेट किए थे टाइम, इनको हमने टर्न अराउंड टाइम जो कैलकुलेट किया है तमाम प्रोसेस के टर्न अराउंड टाइम को जब हम एडअप करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो टोटल एवरेज
वेटिंग टाइम एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो हमारे पास 12.25 जो है वो कैलकुलेट हुआ। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व की, जिसमें हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया, टर्न अराउंड टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट किया यूजिंग अ प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए।